Hello friends, welcome to the desk Deva English Spoken Classes. Please do watch this channel. By watching this channel, you can surely learn English. Thank you. आदमी अगर ये ना सोचे कि हम जो कर रहे हैं उसका क्रेडिट किसको मिलेगा तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है. Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Class. Friends, as you know, कि मैं हर सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास का वीडियो डालता हूँ, तो इट्स अ एक्स्ट्रा क्लास और टुडे आई विल टीच यू अबाउट द हैज़ एंड हैव. मैं आपको हैज़ हैव का तीनों स्टेप्स मीन्स तीनों टेंस बताऊँगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फ्रेंड्स, अगर आपको पिछली बार मीन्स पिछली क्लासेज में जब मैंने हैज़ हैव पढ़ाया था उस टाइम में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ कन्फ्यूजन्स बाकी रह गए होंगे, आपके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो इस क्लास में आपके वो सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, एज यू नो कि एक्स्ट्रा क्लासेस में मैं पिछली क्लासेज में दिए गए सेंटेंसेस के ना तो आंसर बताता हूँ, ना मैं होमवर्क के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज में कोई सेंटेंसेस देता हूँ. ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम आज की क्लास पे चर्चा करते हैं. ये मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ है, आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं. ये देखिए, मैं हैज़ हैव के बारे में आपको बता रहा हूँ. हैज़ हैव मैं डायरेक्ट प्रेजेंट टू पास्ट फिर फ्यूचर ये सब सेंटेंस बनाते चलूँगा. आप उसको अच्छी तरह से समझना कि कैसे हम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं. ठीक है फ्रेंड, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स बाकी रहेंगे वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे. बहुत ही सिंपल है. तुम्हारे पास बुक है तो तुम्हारे पास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं. अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि हैज़ किसके साथ लगाएंगे और हैव किसके साथ लगाएंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि आई और यू को छोड़ के सभी एक वचन के लिए हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं. आई और यू को छोड़ के सभी एक वचन मीन्स सिंगुलर नंबर के लिए हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सब में हैव का इस्तेमाल करते हैं. सिंपल है फ्रेंड, सिर्फ समझना है आपको. चलिए, यू हैव अ बुक. अब पास्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस हैज़ और हैव से बनता है उसका अगर पास्ट बनाना हो तो सिंपल है, हैव और हैज़ की जगह क्या हैड रखना है. सिंपल है फ्रेंड, जो भी सेंटेंस हैज़ और हैव से बनता है उसका पास्ट अगर बनाना हो तो हम हैज़ और हैव की जगह हैड लगाते हैं. सिंपल है फ्रेंड. तो आइए, यू हैड अ बुक. तुम्हारे पास बुक होगी मीन्स You will have a book. ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट में क्या, आई हैव अ बुक. पास्ट, आई हैड अ बुक. फ्यूचर, आई विल हैव अ बुक. किसी भी सेंटेंस को हम फ्यूचर बनाने के लिए उसमें शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं और आप सब सबके साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं बेहिचक, विदाउट एनी एजिटेशन, विदाउट एनी कन्फ्यूजन. क्योंकि आजकल लोग विल का इस्तेमाल कर रहे हैं सब जगह. हाँ, लिखने में ग्रामर्स में देखा जाता है तो उसमें शैल का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं. मैंने आपको पहले ही बताया है कि आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आप बोल चाल में कभी ये मत सोचना अरे इसके साथ शैल लगाऊँ कि विल लगाऊँ, क्या लगाऊँ. कन्फ्यूज मत होना, विल लगा देना सबके साथ, चलता है. इट डज एंड इट विल डू. अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे. तुम्हारे पास बुक नहीं है, यू हैव नॉट बुक. पास्ट में यू हैड नॉट बुक. फ्यूचर में मैं दोस्त मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, यू विल मिस विल नॉट हैव बुक. लेटर्स थोड़े छोटे हैं, अगर आपको, मुझे उम्मीद करता हूँ कि दिखाई दे रहा होगा आपको,
फिर भी दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप जूम करके देख सकते हैं। यू विल नॉट हैव बुक, या हम विल और नॉट साथ में आता है तो उसका हम भी हम शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, ओंट। तो हम वहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि यू ओंट हैव बुक। अभी हम इसका यू हैव नॉट बुक, इसका हम दूसरा जो फॉर्मूला है वो बनाएंगे, यू डोंट हैव बुक। दूसरा यू डिडंट हैव बुक। तीसरा में क्या है, यू ओंट हैव बुक। सिंपल है फ्रेंड। अभी हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इंग्लिश में लिखता हूँ। इंट्रोगेटिव का मतलब तो आप समझते ही हैं, क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड, तो हैव यू बुक, फिर यहाँ पे हैड यू बुक, यहाँ पर विल यू हैव बुक। ठीक है फ्रेंड, इसका हम दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पे हैव लगा है, इतना आप ध्यान रखना। काफ़ी लड़के डू डज में अभी तक मतलब काफ़ी लंबे समय तक कन्फ्यूज होते रहते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी तरह से समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर हैव लगा है ना, हैव, तो हैव लगा है तो यहाँ पर डू लगेगा। डू यू हैव बुक, यहाँ पर तो वही है, इसमें दो है नहीं। डिड यू हैव बुक, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पे सेम होगा। अभी हम इसका क्वेश्चन नोट बनाते हैं। क्वेश्चन नोट में जैसे कि तुम्हारे पास बुक कब है, तुम्हारे पास बुक कब थी, तुम्हारे पास बुक कब होगी। फ्रेंड्स, इट्स रनिंग आउटसाइड हैवीली, सो यू कैन लिसन द वॉइस ऑफ ड्रिजलिंग, मीन्स बारिश की आप आवाज़ सुन सकते हैं, आवाज़ आ रही है। लेकिन मुझे पता है कि मेरी आवाज़ उससे ज़्यादा है, तो आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं और समझ भी मैं भी आ रहा होगा अच्छी तरह से। तो अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है। तुम्हारे पास बुक कब है, व्हेन हैव यू बुक, व्हेन हैड यू बुक, व्हेन Will you have book? ठीक है फ्रेंड, तो ये था आज हैज और हैव। सिंपल है, आप इसको अच्छी तरह से टेबल है ये, इसको आप लिख लेना और समझ लेना, फिर घर पे खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे पिताजी के पास बाइक है, मेरे पिताजी के पास बाइक नहीं है, मेरे पिताजी के पास बाइक होगी, इस तरह से आप बनाकर और खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हो। दो चार बार प्रैक्टिस करोगे खुद लिख करना, तो सारे के सारे फॉर्मूले दिमाग में आपके घुस जाएंगे, बैठ जाएंगे। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, एक बार अगर आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से तो ज़िंदगी में फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सिंपल है। प्रेजेंट में हैज़ हैव, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में शैल और विल के साथ हैव। फ्यूचर में कभी आप हैज मत लगाना फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर डू डज का अगर कन्फ्यूज़न है और हैज हैव का कन्फ्यूज़न है कि कहाँ पर हैज लगाते हैं और कहाँ पर हैव लगाते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हो गया होगा आज। सिंपल है, आई और यू को छोड़ के सभी सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगाएंगे और बाकी सब में हैव लगाएंगे। और डू और डज का भी वही फॉर्मूला है, आई और यू को छोड़ के सभी सिंगुलर नंबर में डज का इस्तेमाल होगा, बाकी सब में डू का इस्तेमाल होगा फ्रेंड। सिंपल है, वेरी सिंपल। ठीक है फ्रेंड,
तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग तीन चीज़ें जो मैंने पहले बताया था करते रहना, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, बोलने की कोशिश करते रहो फ्रेंड। अभी तक मैंने बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया है, टीच कर दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आप बोलना शुरू भी कर दिए होंगे। जो भी फ्रेंड मेरे रोज़ का क्लास अटेंड कर रहे हैं शायद वो बोलना शुरू कर दिए होंगे। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, मुझे भी पता चले कि आप देख रहे हो तो आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।